प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना वैक्सीनेशन के शुरुआत की अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीति का घमासान शुरू हो गया है। पहले तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया, बाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन को वैक्सीन को मंजूरी देने पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि को वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि भारत में जिन दो वैक्सीन को मंजूरी दी गई है उनके लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन सवाल तो राजनीति का है। विपक्ष के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि क्यों ना सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला टीका लगवाएं। इसीलिए आज दंगल का मुद्दा है, वैक्सीन से नहीं मोदी से डर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। कोरोना वैक्सीन का इंतजार जब अब बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले ही भारत में राजनीति के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत बायोटेक की को वैक्सीन को मंजूरी क्यों मिली, जबकि उसके थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजे सामने नहीं आए। सवाल तो सवाल अपनी जगह है, लेकिन राजनीति सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में लाकर हो रही। बिहार से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगाकर शंका दूर करें। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट करके कहा, कोवैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, अच्छा होगा प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी पहले इसे लगवा लें, सब ठीक होगा तो जनता भी लगवा लेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह माहौल कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के बयानों के बाद बना है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई तो ये घातक हो सकता है। जबकि जयराम रमेश ने कहा, कोवैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया, ये हैरान करने वाला है, स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। वैसे इन दोनों नेताओं को कोवैक्सीन की मंजूरी देने के कारणों को समझाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है कि इन संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण अनैतिक है, विज्ञान आधारित प्रोटोकॉल को बदनाम न करें, जागिए और महसूस कीजिए कि आप खुद का नाम खराब कर रहे हैं। वैसे जब कांग्रेस के भीतर से वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं तो उधर पार्टी की दुविधा भी सामने है। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको एक बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी ने शुरू से आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था, और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ, इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फैटिलिटी। वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल पूछना गलत नहीं, लेकिन उसमें राजनीति ढूंढने की कोशिशें तो पहले दिन से ही शुरू हुई। इधर वैक्सीन की मंजूरी मिली तो उधर एसपी नेता अखिलेश यादव ने उसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई,
अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हालांकि अब अखिलेश बार बार समझा रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन से नहीं बीजेपी सरकार की व्यवस्था से दिक्कत है। बहरहाल वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जोर शोर से वैक्सीनेशन की तैयारियां जारी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि कहा है। अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने, एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना और वैक्सीन जैसे मुद्दे का भी राजनीतिकरण